हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के सामने टू स्टॉक्स डिस्कशन करने वाली हूँ, काफ़ी डिटेल में और सिंपल वे में, किस तरह से आप प्राइस एक्शन और टेक्निकल की मदद से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो का पर्पस सिर्फ आपको किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन देना नहीं है। वीडियो में प्योरली प्राइस एक्शन सीखेंगे, ओके? तो इसको आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो हम आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले आपको एक ऐसा स्टॉक बताती हूँ इसमें जो है रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है, ठीक है? और लोगों को क्वेश्चन रहता है कि ब्रेकआउट वाले स्टॉक के अंदर एंट्री कैसे लेना चाहिए, क्या देखना चाहिए। तो आज मैं आपको आप लोगों को बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगी कैसे हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। आप देखो, यहाँ पर आपके सामने एक शेयर है, इसका नाम है उषा मार्टिन। उषा मार्टिन में आप देखो, ये जो लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज है, ये जो रेड लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज है। और यहाँ पर मैंने ब्रेकआउट की लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो। आप देखोगे यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर फ्लैग पैटर्न टाइप का पैटर्न यहाँ पर बना है। यहाँ पर मैं जो सर्कल बना रही हूँ, इस कैंडल जो है आपको क्लियर ब्रेकआउट कैंडल है। ये जो कैंडल है क्लियर ब्रेकआउट कैंडल है। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, इसको क्लियर वे में यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया है। आप क्या करो, क्लियर ब्रेकआउट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पर मैं आपको आपके लिए मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है 380 का, हमारा रेजिस्टेंस है, ओके? अब क्या होता है, जब ब्रेकआउट होता है सब जगह पर आप देखते होंगे, यूट्यूब टेलीग्राम फॉलो करते होंगे, राइट? तो वहाँ पर सब लोग डाल देते हैं कि ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है? यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, 13 जून को आप देखोगे, सॉरी 10 जून की बात है, इस दिन 9.6% ऊपर क्लोज हुआ है। तो आप फियर ऑफ मिसिंग की वजह से, के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से गलत एंट्री बना लेते हैं। ये मिस्टेक बार बार बिगनर्स जो शेयर मार्केट में नए होते हैं, जो उनको कुछ भी प्राइस एक्शन टेक्निकल का कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, वो लोग गलत एंट्री कर देते हैं। तो प्राइस एक्शन के बिना, कुछ भी बिना सीख के, यहाँ से टिप लेके वो मतलब एंट्री कर देते हैं, राइट? तो उनका जो हार्ड एंड मनी होता है वो इन्वेस्ट कर देते हैं किसी भी स्टॉक में, तो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो फोमो में एंट्री गलत लेते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम में अगर कोई चार्ट ने ब्रेकआउट दिया है, राइट, तो लेवल पर आपको मार्किंग लगा देना है,
यहाँ पे ऐसे मार्किंग करना है, राइट। वहां पर आपको इसको ट्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद मार्किंग करने के बाद आपको कुछ दिन ट्रैक करना पड़ेगा। मैं नहीं कहूंगी कि हर बार स्टॉक पुल बैक लेता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। बट बहुत टाइम मतलब स्टॉक पुल बैक लेता है, अपने अपना जो रेजिस्टेंस लेवल होता है उसके उसको टच करता है और वहां से अपसाइड मूव देता है। तो वहां पर आपको कोई स्क्रीनर काम नहीं करेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, तो आप क्या करना है, उस जगह पर अलर्ट लगा देना चाहिए, राइट। तो आपको पता चलेगा कि वो प्राइस रेजिस्टेंस के पास वापस पुल बैक की है, तो आप वापस उसमें एंट्री कर सकते, राइट। तो ये स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है और अभी ये प्राइस पर आप इसमें एंट्री कर सकते हो। और अपसाइड टारगेट इसका कुछ ही मंथ में 500 तक हो जाएगा। इसका अपसाइड टारगेट 500 है, तो ये बहुत ही बड़ा अपसाइड मूव इस स्टॉक ने दिया है। और अपसाइड न्यू अभी तक आया नहीं है, बट अभी आने वाला है। आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और हमारा जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है लुपिन लिमिटेड। इसका प्राइस अभी है 1759.13। ओके, तो इस स्टॉक में आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखो तो सेम चार्ट बना है, उषा मार्टिन मार्टिन की तरह सेम चार्ट पैटर्न बना है। यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इसका रेजिस्टेंस है। और आज ये स्टॉक ने, आज की डेट है 5 जुलाई, राइट। तो आज ये स्टॉक ने 7.89% ऊपर क्लोज हुआ है। तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक ने। अगर ये स्टॉक आप इसी प्राइस पे बाय कर सकते हो, या फिर अगर ये पुल बैक देता है तो 1708.45 पे वापस एंट्री कर सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक है। और अगर वॉल्यूम देखोगे तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम भी दिया है इस स्टॉक ने आज। तो अपसाइड में कुछ ही मंथ में 2000 तक भी जा सकता है ये स्टॉक। तो प्लीज आप ये स्टॉक ट्रैक करिएगा। और आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।